नमो वाकम प्रशास महे। नमस्कार मित्रों, पुनः उपस्थित हैं आपके सामने टॉपिक दीर्घ स्वर संधि के साथ। कल हमने पढ़ा था, इसमें इसका अर्थ हमने देख लिया था, अकह सवर्णे दीर्घ। इसके पहले संधि की परिभाषा कल देखी थी, संधि के प्रकार देखे थे, कितने प्रकार की होती हैं सामान्यतया। तो संधि किसे कहते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, सबसे पहले स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत प्रथम जो दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, उसको पढ़ रहे हैं। उसका नियम है अकह सवर्णे दीर्घः। इसको जानेंगे एक बार फिर से। अक मतलब होता है अक प्रत्याहार। देखिए, संस्कृत व्याकरण के लिए प्रत्याहार बहुत आवश्यक है, जिसके लिए आपको माहेश्वर के जो 14 सूत्र हैं वो याद होने बहुत आवश्यक हैं। तो अक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक होता है? अयुण के आ से ऋलृक् के का तक। उसके अंतर्गत ये पांच वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, री और लृ। ये पांच वर्ण अक मतलब हो गया आ से लेकर लृ तक के पांच वर्ण। ठीक, इसके बाद है सवर्णे। सवर्णे मतलब होता है समान वर्ण, समान वर्ण। अब देखिए यहाँ पर सवर्णे, यहाँ पर सप्तमी का एक वचन है, और सप्तमी का अर्थ क्या होता है? में पर सप्तमी, जिसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में। उसके बाद संबंध का के की रारेरी और अधिकरण जो सप्तमी में होता है उसका अर्थ होता है में अथवा पर। तो समान वर्ण आने पर इसका अर्थ हो जाएगा। अक के बाद समान वर्ण आने पर, अक मतलब होता है आ, ई, उ, री, लृ। इन पांच वर्णों के बाद यदि समान वर्ण सामने आता है तो, अब समान वर्ण क्या है? आ का समान क्या रहेगा? आ ही रहेगा, ना कि ई हो जाएगा, क्योंकि सवर्ण संज्ञा उच्चारण स्थान के हिसाब से होती है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है तो, और ई का तालु है, इसलिए आ का समान वर्ण ई नहीं हो सकता। ठीक, आ के बाद आ ही आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए। इस तरह से अक के बाद यदि कोई समान वर्ण आता है तो उन दोनों के स्थान में, लिखा है ना, पूर्व व पर के स्थान में। बताया था कल, पूर्व रहता है पहले वाला और पर रहता है बाद वाला। इन दोनों के स्थान में इसका सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का दीर्घ हो, जैसे यहाँ पर आ है और यहाँ पर आ है, इन दोनों, पूर्व ये है पर ये है, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पर। तो पूर्व व पर के स्थान में क्या होता है? सवर्ण दीर्घ होता है। अब आ का सवर्ण दीर्घ क्या रहेगा? बड़ा आ। इन दोनों के स्थान में होना है, ये ध्यान रखना है, ना कि एक के स्थान में। तो दोनों के स्थान में यहाँ पर हो जाएगा बड़ा आ। उसी तरह से अगर ई है यहाँ पर पूर्व में और पर में, बड़ा ई है अथवा छोटा ई है, कुछ भी हो, ई का सवर्ण ई होता है, छोटा हो अथवा बड़ा हो, तो इन दोनों के स्थान में एक ही केवल बड़ा ई होगा। उसी तरह से ऊ रहेगा, इन दोनों के स्थान में बड़ा उ होगा। ठीक, तो ये इसका अर्थ हो गया अकह सवर्णे दीर्घः। अक के बाद सवर्णी स्वर सामने होने पर दोनों के स्थान में दीर्घ होता है। सूत्र से ही अर्थ स्पष्ट है, बस सूत्र को याद रखना है आपको। अकह सवर्णे दीर्घः, दीर्घ संधि का नियम क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है कि दीर्घ संधि का नियम क्या है। अकह सवर्णे दीर्घः आदिगुणः वृद्धि रेचि इत्यादि दे देंगे बहुत सारे ऑप्शन, तो आपको इसको टिक करना होगा, अकह सवर्णे दीर्घः। पहला उदाहरण देखते हैं हम, जैसे मतानुसार अगर है, मतानुसार, ये आ का हम वैसे कल पढ़ चुके थे, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए मैं चार नियम यहाँ लिख देता हूँ, आ प्लस आ बराबर आ, ठीक, आ प्लस बड़ा आ बराबर आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर आ, अथवा बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर भी बड़ा आ, दीर्घ होता है। कुछ भी हो इन चारों में, आ के बाद आ होना चाहिए बस, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब यहाँ पर देखिए, इसका हम विच्छेद करेंगे तो मत धन अनुसार। ठीक, पहली स्टेप हुई, ये हमें चार स्टेप में करना है तो बहुत सरल रहेगा समझने के लिए। जब आपको आ जाएगा तब तो आप सीधा मतानुसार है पूछेगा कि इसका विच्छेद करते हुए संधि का नाम, तो तुरंत आप करेंगे मत धन अनुसार दीर्घ संधि। लेकिन पहले समझने के लिए कि कैसे कैसे मत अनुसार से मतानुसार हो गया, चार स्टेप को फॉलो करेंगे। मत धन अनुसार नियम लगता है अकह सवर्णे दीर्घः। सबसे पहले देखिए, मा में आ है, ता में छोटा आ है,
है ना, ना में छोटा उ है, सा में बड़ा आ है, उसी तरह से ता में क्या है, छोटा आ है, इसको आप निकाल लीजिए अलग। जब निकाल लेंगे ता में जो आ है तो ता हल हो जाएगा, ठीक। ये जो ता में आ था आपने बाहर निकाल लिया और अनुसार यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अकः सवर्णे दीर्घः, अक के बाद अक क्या है, प्रथम आ है ना, इसके बाद समान वर्ण सामने होने पर तो समान वर्ण आ अनुसार का सामने है, क्या हो जाएगा, इन दोनों पूर्व व पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ होता है। पूर्व हुआ ये, पर हुआ ये, इन दोनों के स्थान में क्या कर देंगे, सवर्ण दीर्घ कर देंगे। कर दिया आपने सवर्ण दीर्घ, इन दोनों के स्थान में हुआ है, ये ध्यान रखना है। फिर ले आइए नीचे, उसी तरह से मत ताहल है यहाँ पर, चूँकि इसके स्थान में हो गया, इस आग को नीचे नहीं लेके आएंगे, यहाँ पर नुसार जोड़ दीजिए। ता चूँकि हल है तो ये जो आ है वो कहाँ आ जाएगा, ता में आ जाएगा, तो क्या बनेगा, मता। यहाँ क्या है, तीन वर्णीय अनुसार, मतानुसार सिद्ध हो गया, ठीक। उसी तरह से आ का एक और उदाहरण देखते हैं, फिर हम ई में चलेंगे, ठीक। देखिए देवालय जैसे देखते हैं, देव धन आलय, ठीक। वामी क्या है, छोटा है, हटा दीजिए उसे, अलग निकाल दीजिए, हटाना नहीं, अलग निकाल के साइड में रख देना, तो वह हो जाएगा हल, ये छोटा बाहर निकल गया इसका, यहाँ पर आ गया आलय, आ लय, ठीक। नियम लगा आपका, अक सवर्ण दीर्घ, अक है आ, इसके बाद समान स्वर आलय का आ है, दोनों के स्थान में हो जाएगा दीर्घ, तो दोनों का दीर्घ चाहे, देखिए इसमें कौन सा नियम लगा है, ये वाला, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, इन दोनों के स्थान में आपने कर दिया बड़ा आ। ले आइए नीचे तीनों को, देव बाहल है यहाँ पर लय, चौथी स्टेप में मिला दीजिए, क्योंकि बाहल है ये वाला आ है, वा से मिल जाएगा देवा और लय, देवा, ये वाला जो आ है वो वा में मिल गया, क्योंकि वा हल है ना, इस स्वर से हीन है, इसलिए अजहीनम परिण संयोजम, अज से हीन जो व्यंजन वर्ण है यदि उसके सामने कोई स्वर वर्ण आता है तो स्वतः वो स्वर उसमें आ जाता है कहीं भी, ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ई का उदाहरण। देखिए यहाँ पर अभी हम आ का उदाहरण देखे, ठीक, अब हम ई का उदाहरण देखते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेम चलेगा इसमें भी, छोटा ई हो, छोटा ई प्लस बड़ा ई, अथवा छोटा ई प्लस बड़ा ई तब भी बड़ा ई, बड़ी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी, अथवा बड़ी ई प्लस बड़ी बराबर भी बड़ी ई होगा, ठीक। जैसे हम कोई उदाहरण देखते हैं, मतीन्द्र जैसे देखते हैं, ठीक है, अथवा रविंद्र देख लेते हैं, रवि धन इंद्र, ठीक। कौन सा उदाहरण देख रहे हैं हम, रविंद्र, रवि मतलब होता है सूर्य, है ना, इंद्र मतलब होता है श्रेष्ठ, रविंद्र, पहला स्टेप हमने संधि अलग अलग किया, रवि धन इंद्र किया, ठीक। दूसरे स्टेप में क्या है, बा में क्या है सर, ई है, तो ई को साइड में निकाल ले आइए, तो वाह हो जाएगा हल, यहाँ पर आपने छोटा ई निकाल लिया, छोटा ई है, ठीक, रव वाह हल हो गया, ई को आपने बाहर निकाल लिया, प्लस इंद्र को ले आइए नीचे। अब नियम लगाइए वही, अकः सवर्णे दीर्घः, फिर से अक के बाद समान वर्ण सामने होने पर दोनों के स्थान में दीर्घ होता है। अक किसे कहते हैं, तो अक कहते हैं आ ई ऊ री ल्री को कहते हैं, अक है हमारा प्रथम ई, इसके बाद क्या है, समान वर्ण सामने है, जब समान वर्ण सामने है तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ स्वर, तो ई का दीर्घ क्या है, बड़ा ई, ठीक। नीचे ले आइए, रव रा वाहल है यहाँ पर, क्योंकि इस ई और इस ई के स्थान पे बड़ा ई आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर आधा ना और द्रा, ठीक। चौथे स्टेप में जोड़ दीजिए, रा बा चूँकि हल है तो ये वाला जो ई है वो बा में आ जाएगा, बा में बड़ी ई और आधा ना और द्रा, रविंद्र, क्लियर। एक बार और देखिए, रवि धन इंद्र होता है, आपने संधि किया, ठीक। अब बा में ई है, इसको अलग निकाल के लाइए, तो हमने रव वाहल कर दिया, ई साइड में ले आए, इंद्र का ई हो गया, सूत्र लग गया हमारा, कह सवर्ण दीर्घ, अच स्वर के बाद, अच के बाद अथवा अक के बाद अ ई उ री ल री अक कहते हैं, इसके बाद यदि समान स्वर सामने हो तो अक है ई, समान स्वर है इंद्र का ई, इन दोनों के स्थान में क्या होता है, पूर्व व अपर के स्थान में सवर्ण दीर्घ होता है, ठीक।
तो सवर्ण मतलब समान, समान वर्ण, समान स्वर दीर्घ कौन सा होगा? ई का समान बड़ा ही होगा भाई, ऊ नहीं होगा। तो इन दोनों के स्थान में बड़ा ई हो गया। वाहल है, जोड़ दीजिए, वा ई से मिल जाएगा, ई जो है वा में आ जाएगा, तो बड़ा ई बड़ा वी बन जाएगा रवि, और आधना और द्रा रविंद्र। ठीक, इसमें कौन सा नियम लगा था? ये वाला, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। देखिए छोटा ई दोनों तरफ है, रवि में भी छोटा ई है और इंद्र का भी छोटा ई है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं। शब्द है आपका परीक्षा, है ना, परीक्षा शब्द है। ठीक, अब देखिए परीक्षा में परी धन ईक्षा, ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। इसका ट्रिक भी बताएंगे आपको इसके बाद। देखिए यहाँ पर छोटा ई है, यहाँ पर बड़ा ई है, निकालिए, अलग निकाल लीजिए रा में जो छोटा ई है, दूसरे स्टेप में उसे अलग निकाल के लिख लेते हैं, पा रा को हल कर देते हैं, चूँकि आपने ई को साइड में ले आए निकाल के। इसके बाद इच्छा, देखिए इसमें कौन सा नियम फॉलो हो रहा है? छोटा ई प्लस बड़ा ई, छोटा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई। ठीक, तीसरे नंबर पे फिर से वही राहल, इस ई और इस ई, छोटा ई और बड़े ई के स्थान पे केवल एक ई बड़ा ई हो जाएगा, और यहाँ पर केवल बचेगा क्षा, चूँकि आपने परी का जो ई है और इच्छा का जो ई है, इन दोनों ई के स्थान पर एक ई कर चुके हैं, परीक्षा, तो ये कट जाएंगे, ये नीचे नहीं आएंगे। चौथे स्टेप में जोड़ दीजिए, ये जो ई है वो रा में मिल जाएगा आके, तो परीक्षा बन जाएगा, परीक्षा सिद्ध हो गया। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण, योगींद्र। योगींद्र सुना होगा, योगींद्र है ना, योगियों में जो श्रेष्ठ है योगींद्र। ठीक, तो इसका संधि हम अलग अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे, योगी धन इंद्र। ठीक, यहाँ पर क्या है? बड़ा ई है, यहाँ पर छोटा ई है, गा में बड़ा ई है, तो गा के बड़े ई को हम निकाल लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा? योग गाहल हो जाएगा। देखिए हर एक व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण होता है, जैसे हम नॉर्मली काखा गा घा लिखते हैं ना, का खा गा घा और अंगा, इनमें क्या छुपा है? इनमें छोटा आसम में छुपा है ना, नहीं तो व्यंजन, व्यंजन कैसे होते? अर्धमात्रा होती है व्यंजनों की, है ना, कि ह्रस्व एक मात्रिक होता है, दीर्घ द्विमात्रिक होता है, और प्लुत त्रिमात्रिक होता है, और व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। हम केवल और केवल इसमें आ क्यों उच्चारण करते हैं? केवल उच्चारण सामर्थ्य, चूँकि हम उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे बगैर आ, इसमें अगर आ ना हो तो हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए क्या शब्द है, क्या, तो जो ये का, क्या कहने में जितना टाइम लग रहा है ना, का क्या मतलब बहुत थोड़ा सा, तो अर्धमात्रा के समान इसकी ध्वनि होनी चाहिए ना, अर्धमात्रा होती है इसमें। और ह्रस्व में होता है एक मात्रा, दीर्घ में होता है द्विमात्रा, और प्लुत में होता है त्रिमात्रा। ठीक, तो प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण है उसमें स्वर वर्ण होता ही है। तो यहाँ पर जो योगी गा है इसमें बड़ा ई है, इसको हम अलग निकाल के लिख रख लेंगे, ई प्लस इंद्र का ई। नियम लगा आपका, अकह सवर्णे दीर्घ, अक के बाद, अक किसे कहते हैं, बार बार कह रहा हूँ, अक कहते हैं अक प्रत्याहार को। अक प्रत्याहार के अंतर्गत पांच वर्ण आते हैं, अई उण के आ से ऋल के का तक, अ ई ऊ री और ल्री। ठीक, अ ई ऊ री ल्री के बाद यदि समान स्वर सामने आए, तो ई का समान ई सामने है, क्या होगा भाई? समान स्वर आ गया सामने, तो पूर्व आने पर, पूर्व व पर के स्थान पर, पूर्व हुआ ये और पर हुआ ये ना, पूर्व मतलब पहले वाला, पर मतलब बाद वाला, पूर्व और पर के स्थान पर। ठीक, शत्रुवत होता है ये, शत्रु जिस तरह से हटा के बैठ जाता है ना, जो आदेश होते हैं वो शत्रुवत होते हैं, कि कोई सिंहासन पर बैठा है शत्रु होगा तो उसे हटा के बैठ जाएगा, तो इनको हटा के बड़ा ही बैठ जाता है। आगम जो होता है मित्रवत होता है, साइड में आके बैठता है, तो ये शत्रुवत आदेश है। इन दोनों के स्थान पे दीर्घ स्वर हो गया बड़ा ई, है ना, ले आइए नीचे इनको। योग आपका गाहल है, यहाँ पर आधना और द्रा,
चौथे स्टेप में मिला दीजिए, ग चूँकि हल है, स्वर से हीन है, तो परिभाषा जहीनम परिण संयोजम अच से हीन जो व्यंजन वर्ण है, यदि उसके सामने कोई स्वर वर्ण आता है तो वो स्वर वर्ण व्यंजन में मिल जाया करता है। मिला दीजिए, बड़ा ई गा में मिल जाएगा तो क्या बनेगा, योगी, और आधा ना और द्रा, योगींद्र इति सिद्धम। ठीक ठीक है, इसके बाद देखते हैं। देखिए एक शब्द है, चलिए इसी को ले लीजिए, सतीश जैसे हैं, है ना, इसका हम अलग अलग विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो सती धन ईश। सती किसे कहते हैं, पार्वती को कहते हैं, शिव की जो पत्नी है, उनके जो ईश्वर कौन, शिव। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए अब संधि करने से आपको अर्थ भी पता चलेगा, क्योंकि अलग अलग आप वर्ण कर देते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था योगींद्र, है ना, योगियों में जो श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से सती धन ईश, सती के जो ईश्वर अर्थात शिव, सती के ईश्वर कौन है, शिव है। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेप हो गया, दूसरे में तामे क्या है, बड़ा ई है, उसको साइड में ले आइए, ताहल हो जाएगा, बड़ा ई साइड में निकल के आ गया। उसके बाद ईश कौन सा नियम लग रहा है, बड़ा ई प्लस बड़ा ई, है ना, तो इन दोनों के स्थान में केवल एक ई रहेगा, बड़ा ई। ठीक, अक के बाद समान स्वर सामने है, अक है ई, समान स्वर है ई, है ना, दोनों के स्थान में पूर्व अपर के स्थान में बड़ा ई हो जाएगा। ठीक, सत ताहल है, यहाँ पर शा, ये ई क्यों नहीं आएगा, चूंकि इन दोनों के स्थान में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। चौथे स्टेप में मिला दीजिए, ये जो ई है वो ता से मिल जाएगा, है ना, तो क्या बनेगा, सती और शा, सती शा सिद्धम। ठीक, देखिए इसके बाद हम ऊ का उदाहरण समझते हैं, ई का पर्याप्त हो गया है, हाँ उसी तरह से चलेगा, इसमें भी ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा, चाहे बड़ा ऊ हो, उसके बाद अगर छोटा ऊ आता है तब भी बड़ा ऊ होगा, है ना, छोटा ऊ के बाद यदि बड़ा ऊ आता है तब भी बड़ा ऊ ही होगा, और बड़ा ऊ के बाद यदि बड़ा ऊ आता है तब भी बड़ा ऊ ही होगा। ठीक, अक सवर्ण दीर्घ, अक के बाद समान स्वर आने पर दीर्घ होता है दोनों के स्थान पर, जैसे भानुदय। ठीक, यह जो उदाहरण है हम कक्षा 6, 7, 8 से लिए हैं, क्योंकि लगभग टेट वगैरह में तो वही पूछा जाता है, बहुत उच्च स्तर के उदाहरण नहीं लिए हैं, इसका हम संधि किए करेंगे। भानु, भानु मतलब होता है सूर्य, उदय मतलब होता है उदित होना, है ना, सनराइज, भानु धन उदय, भानुदय मतलब क्या होता है, सनराइज, सूर्योदय, भानुधन उदय। देखिए दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, नामी क्या है, छोटा ऊ है, निकाल के साइड में रख लीजिए, तो भा न हल हो जाएगा, यहाँ पर आपने छोटा ऊ निकाल लिया साइड में, उसके बाद उदय नीचे ले आइए। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पर अक सवर्णी दीर्घ लगा, अक के बाद समान स्वर सामने है, अक क्या है, तो आयु, अक में ऊ आता ही है, उसके बाद समान स्वर सामने मिल गया आपको, तो दोनों के स्थान में क्या आप कर देंगे, उसका दीर्घ कर देंगे, तो बड़ा ऊ हो जाएगा, इसको नीचे लाइए, भाना हल है, यहाँ पर दय, ऊ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने इन दोनों के स्थान पर ऑलरेडी ऊ कर चुके हैं, इसलिए ये वाला ऊ नीचे नहीं आएगा, केवल दय आएगा। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हुआ, चौथे में आप इसको जोड़ देंगे, ये वाला जो ऊ है वो ना में मिल जाएगा, भा नू ना बड़ा बन जाएगा, चूंकि बड़ा ऊ है ना, और दय, भानुदय इति सिद्धम। ठीक, इसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे, देखिए धातु ऊष्मा, धातु धन ऊष्मा। ठीक, धातु धन ऊष्मा, यहाँ पर क्या है, देखिए अब बहुत चार स्टेप नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, और यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ है। ठीक है, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ हो गया, अब इसके स्थान पे आपने इसके स्थान पे और इसके स्थान पे ऑलरेडी बड़ा ऊ कर दिया, तो ता हो गया आपका हल। ठीक, धात बड़ा ऊ और आधा शा और मा लास्ट में जोड़ देंगे, ये वाला जो ऊ है वो ता से मिल जाएगा, धातुष्मा। ठीक, इस तरह से और भी उदाहरण आप समझ सकते हैं। अब हम कैसे समझें कि यहाँ पर दीर्घ ही संधि है,
है ना। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, जहाँ पर आपको बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बीच में दिखे, आंख बंद करके आप कह दीजिए कि वहाँ पर सर दीर्घ स्वर संधि। जैसे उदाहरण हम लेते हैं हिमालय, हिमालय माँ में बड़ा आपको दिख रहा है, उसी तरह विद्यार्थी द्या में बड़ा आ दिख रहा है, धर्मार्थ में बड़ा आ है, मतानुसार में बड़ा आ है ता में, ठीक परमार्थ के माँ में बड़ा आ दिख रहा है, सत्यार्थ के या में बड़ा आ दिख रहा है। जहाँ जहाँ पर भी आपको दीर्घ स्वर दिखे तो वहाँ पर आँख बंद करके आप क्या कह दीजिए, सर दीर्घ संधि है इसमें, ठीक है। अब कहें कि इसमें अब संधि कैसे करेंगे, तो जैसे हिमधन आलय संधि होती है, कोई कहे कि सर हिमाधन आलय कर देते हैं तब भी तो बन जाएगा, हिमा धन आलय आपने कर दिया तो दोनों तरफ आ है, दोनों दीर्घ दीर्घ आ मिल के बड़ा। लेकिन इसमें ये समझना है यहाँ पर कि भैया हिमा का कोई अर्थ नहीं होता है, हिम का अर्थ होता है, हिम मतलब होता है वर्फ, तो दोनों तरफ सार्थक शब्द होने चाहिए, हमें स्वयं से समझना पड़ेगा कि हिमा तो कोई शब्द होता नहीं है, हिम शब्द होता है, तो हिम हम करेंगे। और तोड़ना कहाँ से है हमें शब्दों को, हमें तोड़ना वहीं से है जहाँ पर दीर्घ स्वर दिखे। जैसे हिमालय में मा में दीर्घ है, मुनिंद्र में ना में दीर्घ ई है, शचीन्द्र में चा में दीर्घ, यहाँ से टूटेगा ये सचिधन इंद्र मुनिधन इंद्र, यहीं बीच से आप तोड़ेंगे। जैसे भानुदय ना में बड़ा हुआ तो भानुधन उदय, यहाँ से बीच से टूटेगा। रही बात इसकी कि सर संधि कैसे करें, तो उसके लिए हमें दोनों तरफ का जो शब्द रहेगा वो सार्थक शब्द रहना चाहिए, ना कि निरर्थक। जैसे विद्यार्थी एक शब्द है नॉर्मली मान लीजिए, तो इसका सही जो विच्छेद है वो क्या होता है, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, ठीक है, विद्याधन अर्थी बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा हो जाता है। लेकिन कोई कहे सर हम कर देते हैं इसका संधि विद्याधन अर्थी, तब भी तो विद्यार्थी बन जा रहा है, बन जा रहा है। लेकिन विद्य का क्या अर्थ होता है, कुछ अर्थ नहीं होता, विद्य विद्य मतलब कुछ नहीं, विद्या अर्थी मतलब विद्या को चाहने वाला, विद्य को चाहने वाला क्या होता है, कुछ नहीं। तो ये अपने मन से हमें समझना पड़ेगा कि सार्थक शब्द रहना चाहिए दोनों तरफ, है ना। तो हम यहाँ पर संधि विद्य ना करके क्या करेंगे, विद्याधन अर्थी, ठीक। उसी तरह से नीचे आप देखिए, नीचे वाला क्या धर्मार्थ है, माँ में बड़ा है, तो इसको यहाँ से अलग करेंगे, धर्म धन अर्थ, अब धर्माधन अर्थ नहीं करेंगे, ठीक है, धर्म के लिए। मतानुसार मत धन अनुसार, मताधन अनुसार नहीं करेंगे, क्योंकि मत होता है ना, मत के अनुसार, ठीक। उसी तरह से परमार्थ परम धन अर्थ, सत्यार्थ सत्यधन अर्थ। ई में देखिए यहाँ पर भी आप बीच से तोड़ेंगे इसको, जहाँ पर आपको दीर्घ स्वर दिखेगा आपको वहीं से बीच से अलग करना है, और जहाँ पर भी बीच में आपको दीर्घ स्वर दिखे, चाहे हिमालय हो, चाहे कविंद हो, चाहे भानुदय हो, देखिए यहाँ पर भी बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ सब जगह बड़ा ऊ है, यहाँ पर भी सब जगह बड़ा ही है, और यहाँ पर सब जगह बड़ा है, तो आँख बंद करके इनमें सब में दीर्घ संधि होगी। अब बात आती है तोड़ने की, तो तोड़ेंगे कहाँ से बीच से, तो जहाँ पर आपको बड़ा स्वर दिख रहा है वहीं से आपको बीच से तोड़ना है। जैसे कविंद्र है, कविधन कवि धन इंद्र, ठीक। अब कवि तो नहीं ना होता है, शुद्ध शब्द होता है कवि, है ना, छोटा ही होता है कवि में, इसका कोई अर्थ नहीं होता, कवि कवि क्या होता है, कुछ नहीं, कवि ह्रस्व ई होता है इसमें, छोटा ही होता है कवि में, कवियों में जो श्रेष्ठ है, ठीक। तो कविंद्र हो जाएगा, ई छोटा ई छोटा ई मिला के बड़ा ही हो जाएगा। उसी तरह से मुनिंद्र, मुनि नहीं होता है, मुनि होता है छोटा ई, मुनिधन इंद्र हो जाएगा। अब यहाँ पर सचिंद्र, शची होता है ना, सची कौन है, सची है देवराज इंद्र की पत्नी, उसका नाम है शची, सची इंद्र सती सची का स्वामी। परीक्षा परिधन इच्छा छोटा ही रहेगा। उसी तरह से कविश कविधन ईश, यहीं से तोड़ेंगे कविधन ईश। उसी तरह से योगीश्वर, योगी धन ईश्वर, योगीश्वर हो जाएगा। नारीश्वर नारी धन ईश्वर नारीश्वर। अब देखते हैं यहाँ पर ऊ में, यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ दिख रहा है, भानुदय में ना में है, सूक्ति में सा में है, धातु श्वा में ता में बड़ा ऊ है, बधूत सब में धा में बड़ा ऊ है। तो जहाँ पर भी आपको दीर्घ स्वर दिखेगा वहाँ पर आँख बंद करके दीर्घ संधि है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे कैसे, तो जहाँ पर आपको दीर्घ दिख रहा है वहीं पर बीच से आपको तोड़ना है। जैसे भानुदय है तो भानुधन उदय, भानुधन उदय, अब भानु तो नहीं ना होता है, बड़ा ऊ नहीं इसमें छोटा ऊ होता है, तो भानुधन उदय ऊ मिल के बड़ा ऊ बन जाएगा, भानुदय बन जाएगा। सूक्ति सुधन उक्ति, उक्ति मतलब होता है बात, अच्छी बात, सूक्ति मतलब क्या होता है, अच्छी बात, ठीक। सुधन उक्ति ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा, सूक्ति बन जाएगा, ठीक है। धातुष्मा जहाँ पर आपको दीर्घ स्वर दिख रहा है वहीं से बीच से आपको तोड़ना है। धातुष्मा धातुधन ऊष्मा, बधुत्सव उसी तरह से बधुधन उत्सव, गुरुपदेश गुरुधन उपदेश, अनुदित अनुधन उदित, इस तरह से आपको जानना है। और
ये सामान्य ट्रिक है, ये तो ट्रिक है। देखिए बाकी हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं चार भाग में डिवाइड करके, अगर आप इसके पहले वीडियो देखेंगे उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और ये अभ्यासाधीन होते हैं, जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना ज़्यादा आपको माइंड में सेट होगा। ये टेक्निकली एक बार अगर सेट हो गया माइंड में तो अपने आप देखेंगे परीक्षा में कौन सा संधि, तो परी राम में बड़ा ही है तो दीर्घ स्वर संधि है इसमें, आप अपने आप संधि कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।